नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे शो में और मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की। कई लोगों का अक्सर सवाल आता है कि मेरी राशि क्या है, अगर इस राशि से नाम रखना हो तो क्या नामाक्षर होंगे, मेरी शादी कौन सी राशि के व्यक्ति से सफल होगी, मेरी राशि का क्या स्वभाव है, क्या व्यक्तित्व है, क्या खासियत है, इन सभी को लेकर के अक्सर सवाल आते हैं। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए ये पूरी सीरीज मैंने आप सभी के लिए बनाई है। इस संसार में हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का चेहरा देखकर ये पता लगाना कि उसका स्वभाव किस प्रकार का होगा बहुत मुश्किल होता है और कई बार गलत धारणा भी बना बैठते हैं। पर अगर हम हमारे मित्र की, बिजनेस पार्टनर की, घर वालों की, घर वाली की राशि जान लें तो उसका स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के एपिसोड में खासकर कर्क राशि के व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं। साथ ही कर्क राशि के व्यक्तियों के उपास्य देवता कौन है, लकी नंबर क्या है, मित्र राशियां कौन सी है, शत्रु राशियां कौन सी है, मूलांक और इन सब का भी विवरण दे रहा हूं। यह भी बता रहा हूं कि इस राशि के व्यक्ति दोस्त के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में कैसे सामने आएंगे, इनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ यानी कि जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। तो सबसे पहले नक्षत्र दृष्टिकोण से पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्य नक्षत्र का पूरे चार चरण और अश्लेषा नक्षत्र के पूरे चार चरण, ये मिलकर कर्क राशि बनती है। कर्क राशि का संबंध जलीय प्रदेश, समुद्र, नदी या समुद्र तट से निकटतम माना गया है, उनके पास माना गया है। बहुत ही ज्यादा चंचल और गतिशील चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, अतः चंद्रमा की ही विशेषताएं आप में भी विद्यमान है। तो सबसे पहले आपकी राशि का चिन्ह, जिसे केकड़ा कहा जाता है और इंग्लिश में क्रैब कहा जाता है, अक्सर जल के पास में ही पाया जाएगा। डेजर्ट में तो कभी आप इनको देखेंगे नहीं। इससे एक बात साफ साफ आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाई जा सकती है कि आप बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोला जाता है उथल पुथल होती है मन में, ऐसे इंसान हैं। हालांकि आप जीवन तो दोनों ज़मीन पर और पानी में, दोनों में ही बिता सकते हैं, पर आपकी प्लेस ऑफ चॉइस हमेशा पानी के पास रहने वाली है। ये आप अपने आप को सबसे ज़्यादा शांत, वेल टू डू, इमोशनली स्टेबल पाएंगे। अक्सर आपको देखा जाए यानी कि कर्क राशि के जातक को देखा जाए तो इस किस्म के इंसान हैं कि हर किसी को सपोर्ट देते हैं और कई बार इतना कि खुद के बारे में भी भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में भी भूल जाते हैं। वहीं पे सबसे श्रेष्ठ आदत आपके लिए बोली जाए तो ऐसी बात जो आप जन्म से अपने आप में देखते आए हैं, आप उम्र से पहले मैच्योर हो गए थे, यानी कि घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, उनको बहुत पहले समझ चुके थे और आज अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं, जैसे कि केकड़ा अपनी पीठ पे ही अपना घर लेकर के चलता है, वैसे ही आप भी अपने घर की जिम्मेदारियां अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं आपके स्वामी ग्रह यानी कि चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो कि इमोशनल स्टेटस के लिए जाना जाता है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और अक्सर आप पाएंगे आप बहुत मूडी हैं, बहुत ही जल्दी तिलमिला जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है, कभी इस समय पे बहुत ही खुश है तो अगले समय में अचानक से उदास बन जाएंगे, जल्दी से किसी बात का बुरा मान जाएंगे, किसी पर भी भरोसा जल्दी कर लेते हैं, ये भी आपकी एक बहुत ही ज़्यादा खामी का अंदेशा है। और वहीं विश्वासघात का सामना करना आपको पड़ जाता है, किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेंगे तो विश्वासघात भी उतनी ही आसानी से आपको देखने को मिलेगा। अक्सर आप अपने किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा माहौल बना लेते हैं कि जैसे घर ही हो, लोगों से जल्दी दोस्ती बन बैठती है और उन्हें अपने मन की बात बता देते हैं, पर हाँ कोई आप पर उंगली उठा दे तो बस वहीं उदास भी हो जाते हैं। आप इस संसार में सबका बोला हुआ सुन सकते हैं, सबका सुन करके कान के ऊपर जिसको बोलते हैं जू भी नहीं रेंगती, उस तरीके से हो सकते हैं, पर बस घर परिवार के लोग और खास करके माता का कुछ भी बोला हुआ आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर सकता है, इतना बुरा मान सकते हैं आप उस चीज़ का जिसकी कोई हद नहीं है। माता का बस ये बोलना कि मुझे लगता है तुम्हें आलस्य है, इतना से बोलना नहीं हुआ और आप अपने आप को ऐसे मानेंगे कि ये क्या बोल दिया माता ने, ऐसी आपकी काबिलियत है या तो फिर बोला जाए ऐसा आपका व्यक्तित्व है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में हर किसी से विश्वासघाती मिलने वाला है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये नेगेटिव और नेगेटिव थॉट्स आपको भेजने के लिए, आपको देने के लिए मैं बिल्कुल भी ये सीरीज नहीं बना रहा हूँ। आपकी क्वालिटीज़ क्या है और आपकी खामियाँ क्या है, आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है और उसको किस तरीके से बैटल करना है, इसी के लिए मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आपका कल्याण हो सके। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझ के चलना है कि विश्वासघात अवश्य है, ऐसा मिले ऐसा नहीं है। ये थिंकिंग सबसे पहले अपनी दिमाग से हटानी है। अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, सोचेंगे समझेंगे और सामने वाले के स्वार्थ को अगर आप जान पाएंगे तो अपने आप ये जान लेंगे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। जिंदगी में आप आगे बहुत बढ़ेंगे पर आपका मन हमेशा घर में रहेगा। और ये अपने आप में एक बोले तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है मेरे हिसाब से, तो कि आप घर की बातों को लेकर के ज़्यादा हमेशा देखते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग आपका घर में रहेगा। चाहे काम कर रहे हैं पर काम जो भी कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं, वो फोकस आपका हमेशा अलाइन रहेगा। आप हमेशा सोचते रहेंगे घर वाले कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दिन में एक कॉल तो अवश्य घर पर करते ही होंगे। माता जी पिताजी की तबीयत कैसी है, भाई बहन सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बस इन्हीं बातों की चिंता आप हमेशा करते रहेंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके, जितनी हो सके घर वालों को सुख सुविधा दे सकें। जो लग्जरीज हैं, जो लग्जरी आप अपने आसपास में अपने दूसरे दोस्तों को देखते हैं भोगते हुए, वो सारी अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को दे सकें। इसी को देखते हुए आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही ज़्यादा सुखी बीतेगा, बशर्ते आप अपनी मित्र राशि को अपना जीवन साथी चुने। आपकी राशि का तत्व जल है, पानी है। पानी जैसे साफ दिल के तो आप हैं ही, ये तो हम सब जान चुके हैं, और पानी को वहीं रोकने की कोशिश की जाए, उसको थमने की कोशिश की जाए तो अत्यंत विनाशकारी हो सकती है। नॉर्मल सी बात है, यूट्यूब पे आप हैं, यूट्यूब पे ही अगर सर्च करेंगे कि किस तरीके से पानी विनाश बना सकता है, विनाश कर सकता है, तो सुनामी की फुटेज तो आप सबने देखी ही होगी। तो उतने ही विनाशकारी आप भी बन सकते हैं अगर आपको रोकने की कोशिश की जाए, आपके रास्ते में पत्थर डालने की कोशिश की जाए। जहां पे पानी को जीवन का प्रदाता कहा गया है, माता का रूप भी कहा गया है, गंगा जिसको कि हम माँ कहते हैं, तो ऐसे पानी से, ये पानी ऐसा तत्व आपकी राशि का है, तो आपके व्यक्तित्व को जल के संबंध में अगर देखा जाए तो आप भी कंटिन्यूस फ्लो में रहते हैं, यानी कि बहते रहते हैं, चर राशि है। विचारधारा हर क्षण आपकी बदलती दिखाई देगी, वहीं पे आगे बढ़ते दिखाई देते हैं आप हमेशा। कभी भी एक जगह पर थमे हुए रुके हुए ऐसा कभी नहीं देखेंगे। जहां किसी को मिल जाए तो मन उसका शीतल कर देते हैं। और ऐसे में ही कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा हो कि कोई मित्र हो अच्छा मेरे पास में भी, ऐसे की जिंदगी में आपका आना अपने आप जीवन को मधुर बना देगा और आपकी कमी अवश्य ही आप देखेंगे अपने दोस्तों के साथ में बहुत ही ज़्यादा खलती है उनको। आप मान लीजिए कि सभी दोस्त एक साथ में घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, और आप साथ में ना है या आपने बोल दिया कि सॉरी इस बार मेरा पॉसिबल नहीं होगा, तो आप देखेंगे आपके सारे दोस्त प्लान कैंसिल कर देंगे, पर जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वो जाएंगे नहीं। और इसका क्यों, रीज़न क्या है? सिर्फ आपकी उपस्थिति, आपकी वहाँ पर उपस्थिति होने से ही अपने आप मरे से मरे प्रोग्राम में भी जान आ जाती है, और वहीं पे आप नहीं होते तो अच्छी से अच्छी पार्टी भी ऐसे लगती है कुछ फीकापन रह गया है। आप अक्सर जीवन में जब पानी से दूर रहेंगे तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पाएंगे, दुविधा में पाएंगे। वहीं अगर आप पानी के पास में, रिवर हो गई, नदी जिसको बोला जाता है, समुद्र किनारा यानी कि कोस्टल एरियाज में, ऐसी जगहों पर रहेंगे तो बहुत ही शानदार प्रगति देखेंगे और बहुत ही शांत भी रहेंगे। हमेशा उत्सुकता और एनर्जी आपके अंदर दिखाई देगी। आपके लिए सबसे सूटेबल कार्य अगर कहाऊं तो शिपिंग है, मर्चेंट नेवी है, शिप बिल्डिंग है जिसको कि शिप बनाना बोला जाता है, फिर फिशरीज हुई और ऐसे रेस्टोरेंट जो कि सी फूड सर्व करते हैं, तो ऐसे काम आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। आप वैसे अपनी जिंदगी में बिना परवाह के काम जैसे तैसे करके आगे बढ़ेंगे, पर बस सिर्फ तब तक ऐसा होगा जब तक आप कोई टारगेट अपनी जिंदगी में निर्धारित नहीं कर लेते। जिस दिन आपने टारगेट बना लिया, बस एक बार टारगेट बनाने की ज़रूरी है, और उसके बाद में आलस्य अपने आप जैसे आपकी ज़िंदगी से उड़नछू हो सकता है और आपके मन में, आपके अपने अंदर सुनामी उठ जाएगी और उस टारगेट की तरफ आपको बढ़ा दी जाएगी। तो ये तो हुआ आपकी राशि का व्यक्तित्व और स्वभाव।
पर रुकिए, अभी तक अंत नहीं है। आगे आगे राशि के और रहस्य की पर्दे मैं आपके सामने खोलता रहूंगा और बताता रहूंगा क्या खास है और क्या नहीं आप सभी राशियों के लिए। और अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसी कर्क राशि वाले को तो जरूर उसको भेजिएगा, उसे पूछिएगा क्या ये सच है या गलत, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि क्या इसमें सच है और कितना झूठ। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम अपने बेसिक ट्रेड्स जो मैंने आपको बताई, ये बेसिक ट्रेड्स हैं हर राशि के, हम उन बेसिक ट्रेड्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि संसार के साथ में, दुनियादारी के साथ में जीना सीखना पड़ता है। तो हमने भी जीना सीखा है, दुनियादारी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बदला है, पर फिर भी जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं तो इमोशंस को ना ही मैनिपुलेट किया जा सकता है और ना ही कंट्रोल किया जा सकता है, तब ये क्वालिटीज़ अपने आप आपको साफ साफ आपके सामने दिखाई देंगी। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाले और एपिसोड्स के लिए आप भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे और संपन्न रहे, ऐसी कामना के साथ में जय हिंद।